बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर फॉर लेक्चर नंबर 11। टुडेज़ टॉपिक इज़ एमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, अ ब्रीफ रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया। वी हैव कवर्ड दीज पॉइंट्स: Indian Council Act of 1861 and the Indian Council Act of 1892, Urdu-Hindi controversy, partition of Bengal, formation of All India Muslim League, Minto Mawla reforms 1909, the Lucknow Pact, Caliphate movement. Analysis of all these events and special analysis of change in Muslim politics. Muslim politics in British India from 1924 till 1935, Delhi proposals, Simon Commission, Nehru report, Qaid-e-Azam's 14 points, roundtable conferences, and Allama Iqbal's presidential address 1930. And now today's topic. We have discussed in detail in previous lecture about all these important points and turnings regarding Pakistan movement. Pakistan movement ka aghaz to ek tarah se ho chuka tha, lekin yahan pe aaj ka jo mauzu hai, emergence of Pakistan movement, jis khaas taur pe isliye rakha gaya hai taki ye pata chale कि इससे पहले जो पाकिस्तान मूवमेंट थी या तहरीक पाकिस्तान थी, उसका सदियों पहले से जो आगाज़ था, वो एक ख़ास फेज़ में दाखिल हुआ, एक ख़ास मरहले में दाखिल हुआ, जो कि एक फैसला कुन मरहला है क़याम पाकिस्तान की तरफ। इसलिए ख़ास तौर पे आज का जो मौजू है वो एमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट रखा गया, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मुसलमानों के पास। 1930 तक मुसलमानों के जहन में अल्लामा इकबाल के प्रेजेंटेशन एड्रेस के बाद हर तरह का अभाम ख़त्म हो चुका था, एंड देर वाज नो सेकंड ऑप्शन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान। वो ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने पाकिस्तान को हासिल करना है और पाकिस्तान ही उनकी तहरीक पाकिस्तान की मंजिल है। इस सिलसिले में आखिर में हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पर बात की थी, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अगरचे उनका जो वाज़े तौर पे जो नतायज थे या उनके जो फौरी नतायज सामने आए थे, वो तो उन मकासद से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जिन मकासद के लिए वो इन गोल में इस कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया गया था, लेकिन एक चीज़ जो थी वो उनसे साबित हुई थी, जिसका कि हमने तजिया किया था कि मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पर और हिंदुओं में भी आम तौर पर ये तासर बन चुका था कि मुसलमान जो हैं एक अलहदा कौम की हैसियत रखते हैं। और इस सिलसिले में अलाहाबाद का 1930 का जो अल्लामा इकबाल का खुतबा था, उसने सारे के सारे शक जो थे वो दूर कर दिए गए थे। इसी तरह से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके एक नतीजे में से एक नतीजा ये भी था कि अंग्रेज़ों पर भी ये वाज़े हो गया था कि मुसलमान जो हैं अब एक कौम की हैसियत से अपने आप को मनवा चुके हैं, और इसके पाकिस्तान जो है या एक अलहदा वतन का क़याम जो है वो उनकी एक मंजिल जो है वो बन चुका है। तो इस सिलसिले में क्योंकि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा आइन बना दें जो कि हिंदुओं को भी मंजूर हो और मुसलमानों को भी मंजूर हो, इस सिलसिले में कई कोशिशें की जा चुकी थी, जैसे साइमन कमीशन, और इसी तरह से जो नेहरू रिपोर्ट थी, और इसी तरह से कायदे आज़म के 14 निकात थे, लेकिन इन सब का नतीजा जो है वो बरामद नहीं हो सका था। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो एक एक्ट जो है वो एक कानून जो है वो हिंदुस्तान के लिए पास कर देंगे, और उस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नाम दिया गया। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। आफ्टर द फेलियर ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी
द टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग द न्यू एक्ट फॉर इंडिया। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस नाकाम हो गई तो बरतानिया की हुकूमत ने ये फैसला किया कि एक कमेटी जो है वो बनाई जाए जिसमें कि हिंदुस्तान के लिए कानून साजी की जाए। द कमेटी कंप्राइज्ड ऑफ 16 मेंबर्स ईच फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, 20 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 7 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। साइमन कमीशन को इसलिए वापस कर दिया गया था कि उसमें जितने भी नुमाइंदे शामिल थे वो सब के सब अंग्रेज थे और उनका यहाँ की मकामी आबादी में से, मकामी नुमाइंदों में से किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इस बार अंग्रेज़ हुकूमत ने एक कमेटी बनाई जिसमें के 16 मेंबर जो थे वो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से लिए गए, जबकि 20 ऐसे नुमाइंदे भी रखे गए जो कि इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में, यानी जो हिंदुस्तान जो ब्रिटिश के अंडर था या अंग्रेज़ों की हुकूमत के अंदर था, उनमें से 20 नुमाइंदे लिए गए और 7 जो हैं जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो उस वक्त मुख्तलिफ रियासतें थी जो कि इंडिपेंडेंट हुकूमत करती थी, हुकूमत में थी हिंदुस्तान के अंदर, उनमें से भी 7 नुमाइंदों को लेने का फ़ैसला किया गया। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था इसके ऊपर काम शुरू किया गया। द बिल वॉज डिस्कस्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर 43 डेज एंड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स फॉर 13 डेज एंड फाइनली आफ्टर बींग साइंड बाय द किंग वॉज इन्फोर्स्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन जुलाई 1935। इस तरह से एक बिल जो है उस पर बहस की गई। ये बहस पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में तकरीबन 43 दिन तक हुई और इस पर बड़ी डेलिब्रेट डिस्कशंस, बड़ी तफसीली गुफ्तगु की गई और उसके उनसे मंजूरी के बाद ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको पेश किया गया, जिसमें 13 दिन तक जो है इस पर बहस मुबाहसा किया गया और आखिरकार बादशाह ने इस पर, बरतानिया के बादशाह ने इसके ऊपर मंजूरी के लिए साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए और आखिरकार जुलाई 1935 में इस कानून को हिंदुस्तान में नाफिज करने के लिए भिजवा दिया गया। व्हेन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इन 1934-35 द मुस्लिम लीग वॉज ऑलमोस्ट डेड एंड मुस्लिम्स इन इंडिया एज अ कम्युनिटी लैक्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव, अ लीडर एंड अ प्लेटफॉर्म। अगरचे मुसलमानों पे 1930 के अलामा इकबाल के अलाहाबाद में खुतबे के बाद ये बात वाज़े हो गई थी कि एक अलहदा वतन का क़याम ही उनकी मंजिल है, लेकिन उसके बाद एक खामोशी नज़र आ रही थी और मुसलमानों में, क्योंकि मैंने अपने पिछले लेक्चर में इस बात का ज़िक्र किया था कि कायदे आज़म ने हिंदुओं और मुसलमानों के रवैये से और अंग्रेज़ों के रवैये से दिल बर्दाश्ता होने के बाद सियासत को खैर आबाद कहने का फ़ैसला किया था और वो हिंदुस्तान में, इंग्लिस्तान में मुस्तकिल तौर पर वकालत करना चाहते थे। 1935 के कानून, जब ये ऑल इंडिया एक्ट जो है ये इसके नफाज का वक्त आया, उस वक़्त मुसलमान रहनुमाओं ने ज़ोर देकर और मुसलमान कम्युनिटी ने ज़ोर देकर दोबारा से कायदे आज़म को सियासत में वापस लाने का फ़ैसला किया। उनके कहने पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो वापस इंग्लैंड से वापस तशरीफ़ लाए। उस वक़्त तक मुसलमान जो थे उनको, क्योंकि अब तहरीक एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी, एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी थी, एक ऐसे फैसला कुन मोड में दाखिल हो चुकी थी जहाँ पर के उनको एक अच्छे रहनुमा की ज़रूरत थी, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो कायदे आज़म ने बिलाशुबा ये साबित किया कि वो एक काबिल और जो अवाम का फ़ैसला था वो एक दुरुस्त फ़ैसला था। आइए देखते हैं कि 1935 का जो एक्ट है उसके क्या असरात मुरतब हुए, इसका तजिया करते हैं। बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग अपोज द एक्ट बट participated in the provincial elections of winter 1936-37 conducted under provisions of the act. हिंदुस्तान में जब इस एक्ट का नफाज कर दिया गया तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने इस एक्ट के नफाज की और इस एक्ट की बहुत सारी जो प्रोविजंस थी उसकी मुखालफत की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का फ़ैसला भी किया कि इस एक्ट के तहत जो इलेक्शंस होंगे उनमें वो शामिल होंगे।
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सेप्टेड द एक्ट ऑफ 1935 विद फ्यू अमेंडमेंट्स एज देयर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस. जिस वक्त अगरचे उस वक्त तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ऑल इंडिया एक्ट 1935 की मुखालफत की, लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए, तो उस वक़्त यही एक्ट जो है इसको दोनों मुल्कों ने अपने अपने पहले आइन के तौर पर कुछ ज़रूरी तरमीम के साथ जो है उसका नफाज किया. इससे आप 1935 के एक्ट की अफादियत का अंदाज़ा कर सकते हैं. इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन 1937. जो 1935 का एक्ट था वो बना तो 1935 में और उसकी मंजूरी भी 1935 में हुई, और उसको नफाज के लिए सब कॉन्टिनेंट में बरे सगीर में 1935 में ही भिजवा दिया गया, लेकिन अमली तौर पे इस एक्ट का जो नफाज है वो 1937 में या 1937 में हुआ. इलेक्शंस 1935-36. देर वर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द सब कॉन्टिनेंट, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. जो इलेक्शंस हैं जो 1935 के एक्ट के मुताबिक सब कॉन्टिनेंट में हुए, उनमें दो जो पार्टीज़ थीं, जो दो सियासी जमातें थीं, वो बहुत अहम थीं, बहुत नुमायाँ थीं. एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग. कांग्रेस हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रही थी और मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही थी. बोथ पार्टीज़ डिड देयर बेस्ट टू मोटिवेट द मैसेस बिफोर दीज इलेक्शंस एंड पुट बिफोर देम देयर मैनिफेस्टोज. दोनों पार्टियों ने अपना अपना जोर लगाया कि वो आवाम को अपने हक में उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर लें और उनके उनके वोट्स हासिल कर रहे हैं, और राय आमा को हमवार करने के लिए उन्होंने अपने 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 जो मैनिफेस्टो थे वो पेश किए. और वो जो उनके जो उन्होंने आवाम के सामने जो चीज़ें लाई जो उनको कायल करने के लिए ज़रूरी थी, उनमें उन्होंने आम लोगों के मफादात का ख्याल रखा. लेकिन फ़र्क ये था कि कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुओं के मफादात का ख्याल रखा और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के मफादात पर जोर दिया. द पोलिटिकल मैनिफेस्टोज ऑफ बोथ पार्टीज वर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ऑल्दो देर वर टू मेजर डिफरेंसेस. दोनों पार्टियों के जो मैनिफेस्टोज थे, जो उनके जो उन्होंने आवाम को इलेक्शन में उनके वोट लेने के लिए जो उन्होंने तरजीहात उनके पेश की, वो तकरीबन एक जैसी थी. उनके प्रोग्राम तकरीबन एक जैसे थे. उनमें दो बुनियादी फ़र्क थे. एक ये कि कांग्रेस स्टूड फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट एंड द लीग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स. कांग्रेस ये चाहती थी कि जो इंतखाबात हैं वो मुश्तरक हों, उसमें किसी भी जो माइनॉरिटी है उसको अलग-अलगा से इंतखाबात जुदागाना इंतखाब का हक ना दिया जाए. कांग्रेस वांटेड हिंदू एज ऑफिशियल लैंग्वेज विद देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग वाइल द लीग वांटेड उर्दू विद पर्शियन स्क्रिप्ट. और इसी तरह से जो दूसरा नुमाया फ़र्क था दोनों के मैनिफेस्टो में वो ये था कि जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि हिंदी को जो है वो दफ्तरी ज़ुबान करार दिया जाए और उसका रस्मुल ख़त जो है वो देवनागरी हो, जबकि मुसलमान ये चाहते थे कि उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान करार दिया जाए और उसको नस्तलीग जो 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 उर्दू का रस्मुल ख़त है उसी में उसको रखा जाए और उर्दू को पूरी तरह से उर्दू का दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर उर्दू का नफाज किया जाए. इसी तरह से द रिज़ल्ट ऑफ द इलेक्शंस shocking for the Muslims of India and Muslim League as well, which could not get mentionable support from the voters. जो इस election के नतायज थे वो मुसलमानों के लिए और मुस्लिम लीग के लिए बड़े ही हैरान कुन थे, बल्कि उन इलेक्शन के नतायज को देखकर उनको धचका लगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान के अवाम थे, जो मुसलमान थे या जो उनके वोटर्स थे, उन्होंने
इन जमातों को ज़्यादा इस खुशामदेद नहीं कहा। कांग्रेस अचीव्ड अ बिग विक्ट्री एंड मैनेज टू गेट क्लियर मेजॉरिटी इन 5 प्रोवेंसेस, जबकि जो कांग्रेस थी मुस्लिम लीग के मुकाबले में उसने ज़्यादा वोट हासिल किए और तकरीबन 5 सूबों में उसने वाज़े अक्सरियत हासिल की। आफ्टर 4 मंथ्स डिले कांग्रेस फॉर्म देयर मिनिस्ट्रीज इन जुलाई 1937 और इस तरह से इन इलेक्शंस का जो नतीजा था वो ये रहा कि कांग्रेस ने अपनी वजारतें बनाई, अपनी हुकूमत बनाने का फैसला किया और तकरीबन 4 महीने के देर के बाद 1937 में जुलाई 1937 में कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज का या अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान किया। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पीरियड वॉज एन अदर चैप्टर ऑफ मुस्लिम्स टेस्ट ऑफ पेशेंस। आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उसके तहत, कांग्रेस की हुकूमत के तहत जो मुसलमान थे वो दौर जो था वो मुसलमानों के लिए एक बड़ा ही सब्र आजमा मरहला था। वो क्यों सब्र आजमा मरहला था, आइए देखते हैं। द कांग्रेस प्रूव टू बी अ प्योर हिंदू पार्टी एंड वर्क ड्यूरिंग इट्स रूल ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिंदूज। कांग्रेस जितना टाइम भी बरसरे इक्तदार रही उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के मफादात के लिए काम किया और इस तरह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के फ़ायदे को और हिंदुओं की पॉलिसीज को प्रमोट किया। 27 मंथ्स ऑफ द कांग्रेस रूल वर लाइक अ नाइटमेयर फॉर द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया। सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स इवन स्टेटेड दैट दे वुड टेक रिवेंज फ्रॉम द मुस्लिम्स फॉर द लास्ट 700 ईयर्स ऑफ देयर स्लेवरी। जो तकरीबन ये 27 महीने जो है ये इन्होंने कांग्रेस ने हुकूमत की और ये जो 27 महीने की हुकूमत है वो मुसलमानों के लिए एक खौफनाक ख्वाब से कम ना थे। यहाँ तक के बहुत सारे कांग्रेस के जो रहनुमा थे उन्होंने ये बयान भी दिए कि वो मुसलमानों से अपने 700 साल गुलामी का बदला लेंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि जो हिंदू हैं उनके जहन में जो तासुब पाया जाता है और उस तासुब की हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में वजूहात जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं कि वो सोशल भी हैं, वो रिलीजियस भी हैं, वो कल्चरल भी हैं, वो हिस्टोरिकल भी हैं। तो ये जो तासुब था वो किसी तौर पे भी मुसलमानों के मुस्बत रवैये की वजह से भी, मुसलमानों के तावन की वजह से भी, मुसलमानों की खुशामद की वजह से भी कम ना हो सका। और इसका जो वाज़े सबूत है वो पॉलिसीज़ हैं जो कांग्रेस ने अपने मुख्तसर दौर में अपनाए रखी, मसलन बंदे मातरम, वर्दा स्कीम, राइजिंग ऑफ 3 कलर्ड फ्लैग, वद्या मंदर स्कीम और हिंदी मुस्लिम और राइट्स कॉन्ट्रैक्ट कैंपेन। और ये ऐसी चीज़ें थी, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस बात की निशानदेही करते हैं। जैसे वंदे मातरम स्कीम थी कि हर जगह जो स्कूलों में और तालीमी इदारों में जो हिंदुओं का एक तराना है वो पढ़ा जाएगा और इस बात से कता नज़र कि उस इदारे में कितनी फ़ीसद दूसरी अकलियतें मौजूद हैं या क्या ये उनको भी कबूल है या नहीं, इस बात से कतः नज़र उन्होंने दे इम्पोज दिस रूल इन ऑल इंस्टीट्यूशंस टू रिसाइट बंदे मातरम, टू ऑप्ट बंदे मातरम इन देयर मॉर्निंग असम्बलीज। इसी तरह से वर्दा जो स्कीम थी उसमें भी जो इस तरह के जो हिंदुओं के हीरोज थे उनको नौजवान नस्ल के सामने पेश किया गया और जो मुसलमान हीरोज थे उनका कोई ज़िक्र मौजूद नहीं था। और ये बात सरकारी सतह पे इस चीज़ की सरपरस्ती की जाने लगी कि सिर्फ हिंदुओं के जो सरबरा हैं या हीरोज़ हैं या हिस्ट्री में जिनका ज़िक्र है उनका सिर्फ जो है वो ज़िक्र जो है वो नौजवान नस्ल के सामने किया जाएगा और मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है या मुसलमानों के जो हीरोज़ हैं उनको यकसर नज़रअंदाज किया जाएगा। इसी तरह से जो गांधी है उनको, उनके लिए भी उन्होंने ख़ास तौर पे रखा कि जी हर सुबह जो है जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो गांधी की तस्वीर को सलाम करेंगे, उनको सलाम पेश करेंगे और झुककर सलाम पेश किया जाएगा। तो ये ऐसे इकदाम थे जो कि मुसलमानों को और दूसरी अकलियतों को
किसी तौर पर भी पसंद नहीं थे, क्योंकि ये सरासर हिंदुइज्म का प्रचार थे या हिंदुओं की पॉलिसीज को सपोर्ट करते थे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता दूसरी अकलियतों और खसूसन मुसलमानों की जो तहजीब है और मुसलमानों का जो कल्चर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो झगड़े होते थे, जो अख्तलाफात होते थे, उनमें भी सरासर मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की गईं। अगर झगड़े में हिंदू जो है वो कसूरवार है, तब भी इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों के सर थोपे गए। और इस तरह की कई मिसालें, कई वाक़यात हमें मुख्तलिफ किताबों में लिखे हुए मिलते हैं। At the outbreak of the World War II, the Viceroy proclaimed India's involvement without prior consultation with the main political parties. When Congress demanded an immediate transfer of power in return for cooperation of the war efforts, the British government refused. As a result, Congress resigned from power. इसी दौरान में 1937 में, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्री शुरू हुई और ये तकरीबन 27 महीने तक इन्होंने हुकूमत की, और इसी दौरान दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू होगी तो बरतानिया ने वायसराय के ज़रिए हिंदुस्तान के आवाम से तावन लेना चाहा, और इस तावन के नतीजे में कांग्रेस ने कहा कि हमें फौरी तौर पर जो है हमसे वादा किया जाए कि अगर हम इस जंग में आपसे साथ तावन करेंगे तो आप हमें इक्तदार जो है, हुकूमत जो है, मुंतकिल कर देंगे। इस पर जो इंग्लिस्तान की हुकूमत थी, इस मुतालबे पर उन्होंने फौरी तौर पर इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में रद्द अमल के तौर पर कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दे दिया, और इन्होंने इनके जो जो ये जो इस्तीफे थे इसके सबब से कांग्रेस का जो राज था वो ख़त्म हुआ। मुस्लिम लीग रिमेंड वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द टेरेबल रूल ऑफ द कांग्रेस। मुस्लिम लीग, जबकि कांग्रेस का रूल जो मुश्किल दौर था ये जारी था, तो मुस्लिम लीग जो थी, अगरचे जो इलेक्शन के 1935-36 के जो इलेक्शन के नतीजे थे वो मुसलमानों के हक़ में नहीं थे, मुसलमान जो थे उसमें वोट हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपने तौर पर जो है अपनी जमात को मज़ीद अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करना शुरू किया। कायदे आज़म और उनके साथियों जैसे मुखलिस रहनुमाओं की सरकर्दगी में मुस्लिम लीग को नए सिरे से मुनज़्ज़म करना शुरू किया, और जिसका नतीजा ये निकला कि आगे चलकर मुस्लिम लीग की कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतर हो गई। इसी तरह से इट कंटिन्यूड ड्राइंग अटेंशन ऑफ द मैसेस थ्रू इट्स रेजोल्यूशंस टू एंटी मुस्लिम पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस। इसी तरह से मुस्लिम लीग ने इस दौरान में मुसलमानों पर अपनी मुख्तलिफ करारदादों के ये मुख्तलिफ तरीकों से ये वजाहत जारी रखी कि कांग्रेस की सारी पॉलिसियाँ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। एंड अपीलिंग टू द कांग्रेस टू चेंज इट्स बायस्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स द मुस्लिम। और उन्होंने इसके साथ साथ ना सिर्फ मुसलमानों को इसका एहसास दिलाते रहे, बल्कि साथ साथ कांग्रेस को भी ये दरख्वास्त करते रहे कि वो अपना रवैया तब्दील करें और मुसलमानों के बेहतरी के लिए भी काम करें। विद द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ऑब्जर्व द डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन 22 दिसंबर 1939। जब कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया तो उसके बाद कांग्रेस के इक्तदार छोड़ने के बाद मुसलमानों ने सुख का सांस लिया, और इस दिन को, जिस दिन कांग्रेस इक्तदार से अलहदा हुई, तो 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने यौम निजात मनाया। इसके बाद 1947 के बाद जो बहुत ही एन अदर इम्पोर्टेंट टर्निंग इज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है, करारदाद पाकिस्तान जो है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान मोमेंट के सिलसिले की एक ऐसी अहम कड़ी है जिसके बाद पाकिस्तान बनना नागुजीर हो गया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या थी, आइए देखते हैं। फ्रॉम March 22 to 24, 1940 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड इट्स एनुअल सेशन एट मिंटो पार्क लाहौर। दिस सेशन प्रूव टू बी हिस्टोरिकल। 22 से लेकर 24 मार्च 1940 को
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक मीटिंग जो है, एक सालाना जलसा जो है वो मिंटो पार्क लाहौर में मुनक्किद हुआ, और करारदाद पाकिस्तान के हवाले से ये जलसा जो है एक तारीखी जलसा साबित हुआ। हैविंग पास द पाकिस्तान रेजोल्यूशन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया चेंज देयर अल्टीमेट गोल। जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई, जैसे कि पहले इस सिलसिले की एक अहम जो टर्निंग है, एक अहम मोड़ जो है वो ये है कि जब 1930 में अल्लामा इकबाल ने ख्याल पाकिस्तान पेश किया, इस सिलसिले की दूसरी घड़ी जो है अब 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी है, तो इसके बाद बिल्कुल वाज़े तौर पर मुसलमानों को अपनी मंजिल पाकिस्तान की सूरत में नज़र आनी शुरू हो गई। इंस्टेड ऑफ सीकिंग अलायंस विद द हिंदू कम्युनिटी दे सेट आउट ऑन अ पाथ हुज डेस्टिनेशन वॉज अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। बजाय इसके कि अब वो हिंदुओं के साथ इत्तेहाद की बात करते या उनके साथ मिलके चलने की बात करते या उनके साथ रहने की बात करते, वो ये तमाम कोशिशें कर चुके थे। इसका हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर के शुरू में भी जिक्र किया है कि मुसलमानों ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से हिंदुओं के साथ मिलकर रहें, उनके साथ तामन करें, उनके साथ उनसे उनके उनके साथ उन्होंने बहुत ही नरम रवैये के साथ, बहुत ही आजाना के साथ बहुत दफ़ा दरख्वास्त की कि उनके हक को तस्लीम किया जाए। लेकिन करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद यहाँ मुसलमानों के रवैये में एक वाज़े एक मस्बत तब्दीली आई, और वो ये थी कि अब उन्होंने हिंदुओं की तरफ देखना छोड़ दिया और उन्होंने ये समझ लिया कि ये इत्तेहाद बहुत मुश्किल है और इसके इसमें अब हिंदुओं के साथ चलना जो है वो एक एक नामुमकिनात में से एक एक बात है, क्योंकि अब हिंदुस्तान की आज़ादी अगर होगी तो वो दो रियासतों की शक्ल में होगी, यानी हिंदू अपनी अलग रियासत में रहेंगे और मुसलमान अपनी अलग रियासत यानी पाकिस्तान में रहेंगे। करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट टर्निंग है वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है वो क्या था, आइए देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल इन ऑर्डर टू डील विद द वॉर सिचुएशन। द डाइवर्जेंस बिटवीन द टू मेजर रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज ऑफ द कंट्री हरेस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेक द वॉर अ सक्सेस विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। ऑन मार्च 22, 1942, ब्रिटेन सेंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स। क्योंकि बरतानिया जो था उस वक़्त दूसरी जंग अजीम में मसरूफ़ था और ये बरतानिया पर एक बहुत सख्त वक्त था। ऐसे वक्त में बरतानिया जो है वो हिंदुस्तान के बाशिंदों की, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो किसी भी फिरके से या ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी हमदर्दियाँ जो हैं उसको हासिल करना थी और उनकी नाराज़गी मोल लेना उसके हक़ में नहीं था। इस सिलसिले में उनकी पूरी कोशिश थी कि वो यहाँ के तमाम लोगों की हमदर्दियाँ लें, क्योंकि बरतानिया के फ़ौज में हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख भी शामिल थे और दूसरी कम्युनिटीज़ भी शामिल थीं। शायद आप भी अगर अभी अपने आबा अजदाद में से, अपने बुज़ुर्गों में से किसी के साथ बात करें तो उनमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ों की फ़ौज में रहने का तजर्बा हुआ होगा, और अंग्रेज़ों की इस फ़ौज में जो हमारे बुज़ुर्ग शामिल थे वो उन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया, और वो दूसरी जंग अजीम में हिस्सा उन्होंने किसी मुसलमान मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए नहीं लिया बल्कि अंग्रेज़ों की फ़ौज की नुमाइंदगी करते हुए लिया। और इसी सिलसिले में हमारे बहुत सारे इलाकों में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंग्रेज़ों, हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में शामिल रहे। अजीज़ साल तलबा, आप ज़रूर ऐसे बुज़ुर्गों से मिलिए, यहाँ मैं आपसे ये कहूँगी आप उनसे बात कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो क्या वजूहात थी और वो क्या हालात थे जब जब, क्योंकि ये जो लोग फ़ौज में शामिल थे इनको आम आवाम की निस्बत ज़्यादा अंदाज़ा था कि उस वक़्त क्या सूरत हाल चल रही है और उसमें मुसलमानों का रोल क्या है और उसमें मुसलमानों के हक़ में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। इसी तरह से 22 मार्च 1942 को
यहाँ के मकामी लोगों की, चाहे वो किसी भी फिरके या मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, अंग्रेज़ों ने यह फ़ैसला किया कि उनकी हमदर्दियाँ हासिल की जाएं, और उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स की सरकर्दगी में, सरबराही में कुछ आइनी तजावीज़ देकर उनको भेजा। और आइए देखते हैं कि उन आइनी तजावीज़ को यहाँ के मकामी लोगों ने किस तरह से देखा। The important points of the declaration were as follows. General elections in the provinces would be arranged as soon as the war ended. The second important provision was a new Indian dominion associated with the United Kingdom would be created. Those provinces not joining the power could form their own separate union. Minorities were to be protected. ये प्रोविजंस जो हैं आप देखें कि सारी की सारी इस तरह की हैं, जो कि बहुत बैलेंस हैं, जिसमें अकलियतों के हकूक़ की भी बात की गई है, जिसमें अगर कोई अलहदा रहना चाहता है उसको भी लीवरेज दी गई है। इसी तरह से कोशिश ये की गई कि एक ऐसी मसलहत ऐसी मसलहत भरी पॉलिसी अपनाई जाए जो कि तमाम ग्रुपों के लिए काबिल कबूल हो। However, both the Congress and the Muslim League rejected these proposals. Jinnah opposed the plan as it did not acknowledge Pakistan. Thus, the plan came to nothing. अगरचे इसमें एक मसले पसंद रवैया अपनाया गया था अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से, लेकिन कांग्रेस को अपनी इंतहा पसंदी की वजह से, कि वो ये चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू राज कायम हो, उन्होंने इन तजावीज़ को मानने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान जो थे, मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने इन तजावीज़ को इसलिए मानने से इनकार कर दिया कि ये मुबहम तजावीज़ थी और इनमें इस बात की कोई वजाहत, कोई ज़मानत नहीं थी कि मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क दिया जाएगा। इसी तरह से वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस इज द नेक्स्ट स्टेप इन दिस रिकॉर्ड। हाउएवर बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दीज प्रपोजल्स। जिन्ना अपोज द प्लान एज इट डिड नॉट एक्नॉलेज पाकिस्तान। दस द प्लान केम टू नथिंग। इसके बाद लॉर्ड वेवल जो थे वो एक प्लान लेकर आए और उन्होंने शिमला में तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को मदऊ किया और वहाँ पर उन मसलहत की बातचीत जो है वो शुरू की गई। इन मई 1945 लॉर्ड वेवल द वॉइसराय ऑफ इंडिया वेंट टू लंदन एंड डिस्कस्ड हिज आइडियाज़ अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। 1945 में लॉर्ड वेवल जो थे, जो उस वक़्त हिंदुस्तान के सरबरा गवर्नर जनरल थे, वॉइसराय थे, वो लंदन गए और वहाँ की इंतज़ामिया को, वहाँ की बादशाहत को उन्होंने सारे की सारी सूरत हाल बताई और कहा कि हिंदुस्तान के जो मुस्तकबिल है उसका जो फ़ैसला है वो किस तरह से किया जाए। ये तमाम नकात जो हैं लॉर्ड वेवल ने 1945 में अपनी हुकूमत से डिस्कस किए। टू डिस्कस दिस प्रपोजल्स विद द लीडरशिप ऑफ मेजर इंडियन पार्टीज वेवल कॉल्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस एट शिमला ऑन जून 25, 1945। इन ये जो तमाम की तमाम तजावीज़ थी और जिसमें तमाम हिंदुस्तान की जो नुमाइंदा जमातें थीं, सियासी जमातें थीं, उनके सरबराहों को उन्होंने मदऊ किया और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो शिमला में मुनक्किद की गई जून 1945 में। मई में उन्होंने इंग्लैंड में जाकर बात की, लंदन में जाकर बात की और अपनी हुकूमत से इजाज़त हासिल की और इसके बाद उन्होंने जून में यहाँ आकर 1945 में शिमला में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इसी तरह से लीडर्स ऑफ बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस विच इज़ नोन एज द शिमला कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सरबराहों ने ये कॉन्फ्रेंस जो है ये इसमें शमूलियत इख्तियार की और तारीख इसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानती है। इसकी तफसीलात आपकी दर्सी बुक में मौजूद हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी किन
इन लोगों ने की, और यानी कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की दोनों सियासी जमातों में से किन किन नुमाइंदों ने शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हाउएवर डिफरेंसेस अरोज बिटवीन द लीडरशिप ऑफ द टू पार्टीज ऑन द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। द मुस्लिम लीग क्लेम्ड दैट इट वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। Congress, which had sent Maulana Azad as the leader of their delegation, tried to prove that their party represented all the communities living in India. यहाँ पर दोबारा से हिंदुओं ने अपना तासुब दिखाया, और ये मानने के बावजूद कि मुसलमानों की एक अलहदा से सियासी जमात है, मुसलमान एक अलहदा से एक कौम की हैसियत रखते हैं, मुसलमान जो हैं वो अपने एक अलग वतन का मुतालबा रखते हैं, इन सारी बातों के बावजूद उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में भी अपनी रवायती तासुब का जो है वो मुजाहरा करते हुए ये किया कि ये कहा कि जो कांग्रेस है वो वाहिद नुमाइंदा जमात है जो कि हिंदुस्तान की तमाम कम्युनिटीज़ की जो है नुमाइंदगी करती है, और इस काम के लिए उन्होंने एक मुसलमान मेंबर का इंतखाब किया मौलाना आज़ाद का, और मौलाना आज़ाद जो है उनकी अयारी को और तदबीर को ना समझ सके, और इस तरह से जो इख्तलाफात हैं वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो हैं वो शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वाज़े तौर पर सामने आए, और इन इख्तलाफात के सामने आने की वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें भी कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। इसी तरह से जो है इलेक्शन का वक्त आ गया, और इलेक्शन 1945 जो है वो भी दैट इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट स्टेप इन दिस रिगार्ड। और इलेक्शंस 1945 क्यों इम्पोर्टेंट हैं, आइए देखते हैं कि इस इलेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि 1937 के जो इलेक्शंस थे वो उनके नतायज तो थे वो तो मुस्लिम लीग के हक़ में बहुत अच्छे नहीं थे। अब देखते हैं कि 1945 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग के साथ क्या हुआ। All this resulted in a deadlock. Finally, Wewell announced the failure of his efforts on July 14. Thus, the Shimla Conference could not provide any hope for proceeding further. जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मुसलमानों का कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का दोनों का जो रवैया था वो अपनी अपनी जगह बहुत सख्त था, और दोनों ही अपने अपने बात पर अड़े हुए थे, और इस डेडलॉक की वजह से जो वेवल प्लान था और जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो नाकाम हो चुकी थी, और जुलाई में इस बात का ऐलान जो है वो लॉर्ड वेवल ने किया, और उस पे ऊपर जो मज़ीद बात है वो ये कि उसी दौरान में उन्होंने ये भी कहा कि प्रोविंशियल एंड जनरल इलेक्शंस जो हैं अब सूबाई और मरकजी हुकूमतों के लिए जो है वो इलेक्शन किए जाएंगे, और जिनको के 1945-1946 के इलेक्शंस का नाम दिया गया। विद द फेलियर ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवल अनाउंस दैट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन would be held in the winter of 1945, after which a constitution making body would be set up. Lord Wewell ने ये कहा कि आप लोगों से अगर ये फैसला नहीं होता, आप लोग अगर यही फैसला नहीं कर पाए कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कौन है और हिंदुओं की नुमाइंदा जमात कौन है, या दोनों ही जमातें जो हैं वो हिंदुस्तान की तमाम कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी के ऊपर जो है उनकी दावेदार हैं, तो ये तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर मज़ीद बातचीत करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इलेक्शंस का ऐलान किया। लॉर्ड वेवल ने कहा कि अब 1945-46 में मरकजी और सूबाई असम्बलियों के लिए इलेक्शंस होंगे, और इन इलेक्शंस के नतीजे में जो सूरत हाल सामने आएगी, जो लोग सामने आएंगे, जो नुमाइंदे सामने आएंगे, वही जो है वो आगे मुस्तकबिल के आइन के बारे में फैसला करेंगे, और ये देखेंगे कि मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान के लिए जो कानून साजी है वो किस तरह से की जाए। ही आल्सो अनाउंस्ड दैट आफ्टर द इलेक्शंस द वॉइसराय वुड सेट एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट वुड हैव द सपोर्ट ऑफ द मेन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज बोथ द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस अपोज द प्रपोजल। अगरचे ये जो इलेक्शंस की जो अनाउंसमेंट थी कि जो इलेक्शन करने का ऐलान किया गया था उसके लिए वॉइसराय ने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी, अगरचे उसमें भी जो ये जो पोलिटिकल पार्टीज थी वो ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन इलेक्शंस जो थे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मरहला था, और अपने अपने तौर पर
मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी उसकी शमूलियत उसमें शमूलियत के बारे में संजीदा थे और अपने अपने तौर पर उसकी तैयारी में भी मसरूफ थे। कायदे आज़म डिक्लेयर्ड दैट मुस्लिम्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी सेटलमेंट लेस देन अ सेपरेट होमलैंड। यहाँ पर कायदे आज़म के फैसला कुन बयान आ रहे थे कि मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुसलमान जो हैं वो एक अलहदा वतन के अलावा किसी सूरत में भी कोई और हाल जो है उनको काबिल कबूल नहीं होगा। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड फाइनली केम टू एन एंड इन 1945। Jinnah declared on behalf of the Muslim League that no settlement would be acceptable except on the basis of Pakistan. While the Indian All Indian Congress Committee considered the proposals as unsatisfactory, the elections were held in two stages in December 1945. The Central Legislative Assembly was elected and the provincial elections were held in early 1946. इसी दौरान में 1945 के वर्ष तक आलमी जंग जो है दूसरी आलमी जंग जो है उसका इख्तिताम हो चुका था और जो अंग्रेज़ हुकूमत थी वो थोड़ा सा उसके लिए अगरचे उसके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा थे लेकिन जहाँ पर जंग के ख़ात्मे के बाद उसको थोड़ा आराम मिला। और इसी दौरान जिन्ना ने बिल्कुल वाज़े तौर पे ये मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ये बता दिया कि पाकिस्तान बनना अब नागुज़ीर है और मुसलमान जो हैं जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो कोई भी और आइनी हल जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि उनको एक अलहदा वतन दिया जाए। इसके अलावा कोई और हल जो है हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह से जो जो इन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उसने इन तजावीज़ को जो इलेक्शन की तजावीज़ थी और इससे पहले जो बातचीत हुई थी उस पर टोटली ये कहा कि वो बिल्कुल गैर मुतमईन है और उनको इस तरह की जितनी भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सब के सब जो हैं उनको नाकाबिले कबूल हैं और उस पर वो किसी तरह से भी मुतमईन नहीं है। और उन्होंने अपने तमाम खदशात का वाज़े तौर पर अंग्रेज़ हुकूमत के ऊपर इजहार किया। बहरहाल इलेक्शंस जो थे उनका ऐलान हो चुका था, इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस जो थे वो दो मरहलों में हुए। दिसंबर 1945 में जो मरकजी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी लेजिस्लेटिव असम्बली थी उसका इलेक्शन हुआ और 1946 में जो है वो सूबाई असम्बली के लिए या सूबाई हुकूमतों के लिए इलेक्शंस हुए। कांग्रेस वन अ टोटल ऑफ 930 सीट्स गेनिंग एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 8 प्रोविंसेस। ये जो इलेक्शन था इसके जो नतज थे वो बहुत हौसला अफजा थे कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ने पहले 1937 के इलेक्शन में 5 सूबों में बढ़तरी हासिल की थी, यहाँ पर अब उसे 8 सूबों में वाज़े बढ़तरी हासिल थी। इसी तरह से द मुस्लिम लीग कैप्चर्ड 428 आउट ऑफ द पॉसिबल 492 मुस्लिम सीट्स। मुस्लिम लीग ने भी पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस इलेक्शन में शानदार कामयाबी हासिल की और 428 सीटें जो थीं वो उसने जीतीं, जो 492 उनका सीट्स में से 428 जो थीं उनको उन पे अपनी बढ़तरी जो है वो बरकरार रखी। द इलेक्शंस ऑफ 1945-46 प्रूव्ड दैट मुस्लिम लीग अलोन रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड द स्वीपिंग मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लीग इंक्रीज्ड कांग्रेस हॉस्टेलिटी टूवर्ड्स द मुस्लिम लीग। यहाँ पर जो मुसलमानों की जो वाज़े अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की इससे यह साबित हो गया कि मुस्लिम लीग की वो वाहिद नुमाइंदा जमात है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और मुसलमानों के हकूक़ की ज़िम्मेदार है और मुस्लिम लीग का जो मुतालबा है वो दरअसल एक सियासी जमात का मुतालबा नहीं बल्कि बरे सगीर पाक व हिंद में रहने वाले तमाम मुसलमानों का मुतालबा है, यानी अलहदा वतन का क़याम। और इस सिलसिले में जब ये बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गया क्योंकि ये तारीखी हकायक थे और इनको झुटलाना जो है वो किसी के बस का रोग नहीं था, उसको कांग्रेस के लीडर्स के बयानात भी नहीं झुटला सकते थे, अंग्रेज़ों की जो पॉलिसियां थीं वो भी उसको नहीं बदल सकती थी, तो ये एक बिल्कुल वाज़े फैसला था और जिसको एक ऐसा तारीखी फैसला था जिसको के झुटलाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद जो कांग्रेस है
उसकी मुस्लिम लीग दुश्मनी में बेपनाह इजाफा हो गया। नाउ कैबिनेट मिशन प्लान, जब ये बात जो है वाजे हो गई तो आइए देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान में क्या हुआ। ऑल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश पीस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड फेल्ड। द रिजल्ट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 1945-46 सर्व्ड टू अंडरलाइन द अर्जेंसी टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द पोलिटिकल डेडलॉक which was the result of non-cooperation between the two major parties to end this, and the British government sent a special mission of cabinet ministries to India. अब जो दोनों जमातें थीं वो अपने अपने इलाकों में भारी अक्सरियत के साथ वोट लेकर जीत चुकी थीं। कांग्रेस भी अपने दावों में कामयाब रही थी और मुस्लिम लीग भी अपने दावों में कामयाब रही थी, लेकिन जो इन दोनों जमातों के सियासी जमातों के बीच में एक डेड लॉक था, एक जो बातचीत जो थी उसमें कोई राबता नहीं था, कोई वो एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे, ये जो है ये बदस्तूर कायम था और ये अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि वो किस तरह से इन दोनों को किसी एक फैसले पर मुत्तफिक करें। और इस काम के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसको पेश किया गया। द मिशन कंसिस्ट ऑफ लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर स्टेफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड ए वी अलेक्जेंडर द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। यहाँ पर जो मिशन था उसमें तीन नुमाइंदे थे जो कि पहले भी हिंदुस्तान के जो मामलात थे वो तय करते रहे थे और उनको यहाँ के लोगों की, यहाँ के मकामी लोगों की और यहाँ के जो दोनों सियासी जमातों के सरबराह थे उनकी तबीयतों से, मिजाज से, ख्यालात से वाकफियत थी। सो ऐसे तीनों लोगों का इंतखाब किया गया जो कि यहाँ की ये जो डेड लॉक की सिचुएशन थी पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में उसका कोई हल निकाल सकें। द पर्पस ऑफ द मिशन वॉज, जो ये मिशन था कैबिनेट मिशन प्लान जो था इसके जो बुनियादी मकासद थे वो ये थे, प्रेपरेटरी डिस्कशंस विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर एग्रीमेंट एज टू द मेथड ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, के यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा आइन वाजे किया जाए जो कि या ऐसे आइन के ऊपर इब्तदाई बातचीत जो है उसका इनेकाद किया जाए जो कि ब्रिटिश इंडिया के नुमाइंदों के सामने दोनों के जो 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 इंडियन स्टेट्स हैं उसमें इन जहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके उन सब के मफादात की हिफाजत हो और उन सब के लिए वो हल जो है वो काबिले कबूल हो, तो ऐसे बहस का आगाज़ किया जाए। इसी तरह से सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और इसी तरह से जो आइनी एक एक आइनी ग्रुप है जो कि मुस्तकबिल के आइन के ऊपर बातचीत करे और उसके उसका ढांचा बनाए उसके बारे में बातचीत की जाए। इसी तरह सेटिंग अप एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ द मेन इंडियन पार्टीज़ और इसी तरह से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए जो कि जो मुख्तलिफ हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल करके इन मसाइल पर बातचीत, आइनी मसाइल पर बातचीत की जा सके। द मिशन अराइव्ड ऑन मार्च 24, 1946। ये मिशन जो है 24 मार्च 1946 को यहाँ पर पहुँचा। आफ्टर एक्सटेंसिव डिस्कशंस विद कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग द कैबिनेट मिशन पुट फॉरवर्ड इट्स ओन प्रपोजल्स ऑन मे 16, 1946। ये मिशन जो है ये मार्च में 24 मार्च 1946 को यहाँ पर पहुँचा और तकरीबन 3 महीने बातचीत के बाद यानी अप्रैल और मार्च अप्रैल में 3 महीने तक तकरीबन 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने इसके साथ बातचीत शुरू की और अपनी सिफारशात पेश की। द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान ऑन June 6, 1946। अर्लियर द कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड द प्लान ऑन May 24, 1946, दो इट रिजेक्टेड द इंटरिम सेटअप। मुस्लिम लीग ने ये जो प्रपोजल्स हैं ये जून में 6 जून 1946 तक जो है
उनको मंजूर कर लिया, जबकि इससे पहले ही कांग्रेस जो है वो 24 मई 1946 को इसकी मंजूरी दे चुकी थी। लेकिन उनको जो इंटरन सेटअप है कि जब ये इंतकाल इकतदार होगा तो क्या किस तरह का सेटअप होगा या क्या तरीकाकार होगा, उससे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। द वाइस रॉय शुड नाउ हैव इन्वाइटेड द मुस्लिम लीग टू फॉर्म गवर्नमेंट एज इट हैड एक्सेप्टेड द इंटरिम सेटअप, बट ही डिड नॉट डू सो। अब चाहिए तो ये था कि क्योंकि मुस्लिम लीग जो है इस कैबिनेट मिशन प्लान को जो है वो मान चुकी थी, एज इट इज़ मान चुकी थी, और उसकी तमाम जो शिकें थी उनके साथ इतफाक़ कर चुकी थी। चाहिए तो ये था कि वो मुस्लिम लीग को बुलाते और उनसे उनसे मुख्तलिफ वामी मामलात पर गुफ्तगू करते ताकि इस पे ये बातचीत आगे बढ़ती, लेकिन वॉइसराय ने ऐसा नहीं किया। मीनवाइल जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन जुलाई 10 सेड दैट द कांग्रेस हैड एग्रीड टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट सेइंग इट वुड बी फ्री टू मेक चेंजेस इन द कैबिनेट मिशन प्लान। इसी दौरान में जवाहरलाल नेहरू ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, मुंतखब असेंबली जो है, उसको तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो कैबिनेट मिशन प्लान है उसके उसमें जो तब्दीलियाँ हैं वो अपनी मर्ज़ी से या कैबिनेट मिशन प्लान की जो तब्दीलियां हैं वो उसके साथ कांग्रेस जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बातचीत करेंगे या उसमें जो तब्दीलियां लानी होंगी वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस द मुस्लिम लीग डिसएसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम द कैबिनेट प्लान एंड रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट एक्शन टू अचीव पाकिस्तान। जब मुस्लिम लीग ने यह बात सुनी कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हुकूमत में तो शमूलियत चाह रहे हैं, कैबिनेट मिशन प्लान और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो आना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें वो तब्दीलियाँ अपनी मर्ज़ी से लाना चाह रहे हैं, ये सुनने के बाद मुस्लिम लीग ने अपने आप को उससे अलहदा रखने का फ़ैसला कर लिया और उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन का या एक ऐसे सिमत का चुनाव किया कि जिस जो कि पाकिस्तान हसूले पाकिस्तान की तरफ एक सीधा रास्ता इख्तियार किया जाए, बजाय इसके कि असेंबली का और हुकूमत का हिस्सा बने और उसके बाद फिर अपने मुतालबात को मनवाएं, तो ये फैसला किया गया कि वो हसूले पाकिस्तान के लिए अपना अलहदा रास्ते का इंतखाब करेंगे। एज अ रिजल्ट वॉइसराय वेवल इन्वाइटेड द कांग्रेस टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑल दो इट हैड प्रैक्टिकली रिजेक्टेड द प्लान। कांग्रेस अगरचे के जो जो इंटरन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उससे पहले इससे इत्तफाक नहीं करती थी, लेकिन वॉइसराय ने कांग्रेस को अपने साथ शमूलियत के लिए बुलाया और मज़ीद बातचीत के लिए बुलाया। हालांकि इससे पहले मुस्लिम लीग जो है ये प्लान एज इट इज़ एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन वॉइसराय ने मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट में शमूलियत के लिए उस तरह से नहीं बुलाया, मज़ीद बातचीत के लिए उस तरह से शामिल नहीं किया जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के इस ऐलान के बाद वो कैबिनेट मिशन प्लान में अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली कर सकते हैं, उन्होंने कांग्रेस को इस बात के बावजूद जो है उन्होंने वॉइसराय ने उनको बुलाया और इस पे इस प्लान के ऊपर बातचीत शुरू की। हाउएवर द वॉइसराय सून रियलाइज द इनफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द लीग। लेकिन जल्द ही वॉइसराय को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुस्लिम लीग को शामिल किए बगैर इस पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर ऑन अक्टूबर 14, 1946 ही एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू देम एज वेल। उन्होंने मुस्लिम लीग को भी बुलाने का फैसला किया अक्टूबर 14, 1946 में। On March 22, 1947, Lord Mountbatten arrived as the last Viceroy. इसी तरह से कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जो इसका हल निकला, अब दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी वो शामिल हो चुकी थी, तो 1947 में जो है इंग्लिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक तब्दीली आई, वो ये थी कि यहाँ पे वॉइसराय को जो है वो तब्दील कर दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आखिरी वॉइसराय के तौर पे हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। इट वाज अनाउंस दैट पावर वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन हैंड्स बाय जून
जून 1948, और साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया गया कि जो पावर है, जो हुकूमतें हैं, हुकूमत है, वो 1948 तक, जून 1948 तक जो है वो हिंदुस्तानी लोगों के या यहाँ सब कॉन्टिनेंट के बरसीर के जो लोग हैं, बरसीर के रहने वाले जो लोग हैं, इनके सपोर्ट कर दी जाएगी। अराइवल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एंड पार्टीशन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन के आने के बाद जो है पार्टीशन प्लान या तकसीम का जो मंसूबा है वो पेश किया गया। वो क्या था, आइए देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन एंटर्ड इनटू अ सीरीज ऑफ टॉक विद द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग लीडर्स। लॉर्ड माउंटबेटन ने आते ही मुस्लिम लीग के जो सरबराह थे और कांग्रेस के जो सरबराह थे उनके साथ जो है वो बातचीत के सिलसिले का आगाज किया। कायदे आजम मेड इट क्लियर दैट द डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड द सपोर्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड दैट ही कुड नॉट विदड्रॉ फ्रॉम इट। कायदे आजम ने वाज़े तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी वासराय के तौर पर यहाँ तशरीफ लाए थे, उनको बता दिया कि पाकिस्तान जो है, हसूल पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी मंजिल ठहर चुका है वो, और इससे कम तर पे वो किसी तरह पे भी राजी नहीं होंगे, और मुस्लिम लीग जो है उनकी वाहिद नुमाइंदा जमात है। विथ रिलायबल एक्टिविस्ट एज पटेल एग्रींग टू द मुस्लिम डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड, माउंटबेटन नाउ प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड अनाउंस इट ऑन जून 3rd 1947। इसी तरह से हिंदुओं में से भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जो बहुत हकीकत पसंद थे और वो बहुत इंसाफ की बात करते थे, जैसे कि पटेल थे। उन्होंने भी जो मुसलमानों का अलहदा वतन के क्याम का मुतालबा था, इसके बारे में बात की। और माउंटबेटन पे ये वाजे हो गया कि चाहे कांग्रेस के लीडर्स हैं चाहे मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं, इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो दो हिस्सों में बट कर रहेगा, और उसमें से एक जो है वो हिंदुओं की रियासत होगी और एक जो है मुसलमानों की रियासत होगी। तारीख हमें ये बताती है, अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक देखें और बाकी भी जो मैंने बाकी जो हेल्पिंग लिटरेचर जो है इस सिलसिले में आपको तजवीज़ किया हुआ है कि आपको वो पढ़ना चाहिए, तो उसमें उन बुक्स से ये पता चलता है कि ये जो डिस्कशंस हैं जो लॉर्ड माउंटबेटन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में हुई, ये भी इन डिस्कशंस में भी बहुत सारी साजिशें जो हैं और बहुत सारी अयारियाँ और मकारियाँ जो हैं हिंदुओं की तरफ से वो शामिल हैं, जिसमें कि बार बार कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को इस मुतालबे से दस्तबरदार किया जाए, उनको लालच भी दिया गया, उनको प्यार से भी, उनको गुस्से से भी, उनको प्रेशर से भी, हर तरह से उनको समझाने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक़्त की जो मुस्लिम लीडरशिप थी, जो मुसलमानों के नुमाइंदा थे, जो मुसलमानों के सरबराह थे, वो अपने मुतालबे पर डटे रहे। जून थर्ड प्लान क्या था, इसके तहत किस तरह से हिंदुस्तान और इससे मुल्का इलाकों की तकसीम करनी थी, कैसे दो रियासतों को बनना था। दरअसल जून थर्ड प्लान जो था वो इस बात के बारे में एक इंग्लिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ थी कि किस तरह से तकसीम होगी। When all of the Mountbatten efforts to keep India united failed, he asked to chalk out a plan for the transfer of power and the division of the country. It was decided that none of the Indian parties would view it before the plan was finalized. क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं, इनके जो नुमाइंदे थे वो अपने अपने मौकफ में बहुत सख्त और अटल थे, और बार बार एक डेड लॉक जो था वो बातचीत में आ जाता था। इसलिए माउंटबेटन ने दो चीज़ें जो हैं वो वाज़े की। एक ये कि ये जो है यूनाइटेड इंडिया का जो तस्वुर है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमानों का जो मुसलमानों की जो लीडरशिप थी, कायदे आज़म ने बड़े दो टोक के अल्फाज में बता दिया था कि हिंदुस्तान में दो नहीं, तीन ग्रुप्स हैं, तीन कौमें हैं, और इन तीनों कौमों के दरमियान में ये फैसला होगा कि हिंदुस्तान की तकसीम कैसे होगी, यानी हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज़। अब माउंटबेटन को ये वाज़े हो चुका था कि हिंदुस्तान जो है वो
यूनाइटेड हिंदुस्तान का कोई तसव्वुर नहीं है। अब हिंदुस्तान जो है वो बट के रहेगा दो मुल्कों में, यानी मुसलमानों के मुल्क में और हिंदुओं के मुल्क में। एक तो ये बात, और दूसरी उसने ये बात की कि जब तक वो इस प्लान को, इस मंसूबे को आखिरी शक्ल नहीं दे लेता, उस वक़्त तक ना तो मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस दोनों को इस बारे में मतलब नहीं किया जाएगा, उनको इसके बारे में कोई इतला नहीं दी जाएगी और इस प्लान को खुफिया रखा जाएगा। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं किया गया। इसके बारे में हमारे पास दस्ती किताब में भी और दूसरी बहुत सी किताबों पर में जो हैं वो तफसीलात दर्ज हैं, जो कि ये बताती हैं कि माउंटबेटन ने अगरचे ऐलान तो ये ज़रूर किया मगर वो इस पर पूरी तरह से कारबंद न रह सके। द प्लान वॉज फाइनलाइज्ड इन द गवर्नर्स conference in April 1947 and was then sent to Britain in May where the British government approved it. ये प्लान जो था ये तैयार कर लिया गया अप्रैल तक, और अप्रैल 1947 में इस मंसूबे को बरतानवी पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया, और जिसको के बरतानवी गवर्नमेंट ने मई में, अप्रैल में ये भेजा गया और अगले ही महीने इसको मंजूर कर लिया गया। द प्लान वॉज मेड पब्लिक इन June 3rd एंड इट इज़ दस नोन एज द June 3rd प्लान, क्योंकि इस मंसूबे को 3 जून 1947 में आम लोगों के सामने लाया गया, इसलिए इसको 3 जून के मंसूबे के नाम से याद किया जाता है। June 3rd प्लान 1947 वाज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ब्रिटेन आफ्टर डिवाइडिंग इट वाज टू क्विट इंडिया। June 3rd 1947 का जो प्लान था उसमें जो चीज़ें शामिल थीं वो मुंदरजा ज़ैल हैं, जिसके बाद इंग्लिस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान से जाने का फ़ैसला कर लिया। वो क्या थी? नंबर एक, टू सेपरेट स्टेट्स विल बी इस्टेब्लिश इन इंडिया, यानी वाज़े तौर पे पहली इशिक ये थी June 3rd प्लान में कि देर विल बी टू सेपरेट स्टेट्स, यानी दो अलहदा ममलिकतें बनाई जाएंगी इंडिया के अंदर। यानी उन्होंने मुसलमानों के मुतालबे को भी मान लिया था, कांग्रेस के बेतहाशा जोर देने, बेतहाशा साजिशों के बावजूद इस बात को मान लिया था कि हाँ मुसलमान जो हैं उनकी हिंदुस्तान के अंदर एक कौम की हैसियत है, और एक कौम की हैसियत से उनको जोग्राफियाई रियासत भी चाहिए जिसमें के वो एक मुल्क जिसको डिक्लेयर कर सकें। और सबसे जो पहली शिक थी 3 जून प्लान की वो यही थी कि टू सेपरेट स्टेट्स विल बी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। द सेकंड पॉइंट वाज द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल टू एक्ट बट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट टू नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द एरियाज विच विल नॉट एक्सेप्टेड, कि जो अभी मौजूदा आइन है असेंबली का, जो मौजूदा आइन है या जिस वक्त जो मौजूदा कानून चल रहा है वो तो चलता रहेगा सिर्फ उन इलाकों पर जो कि उसको मानते हैं, और जो उसको नहीं मानते वहाँ पर इसका इतलाक नहीं होगा। द थर्ड पॉइंट वॉज द पावर विल बी ट्रांसफर्ड द सेम ईयर 1947 टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया, जो हुकूमत है वो इसी साल यानी 1947 में ही हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ नुमाइंदा हुकूमतें हैं, जो जो दो ममालिक के नुमाइंदे हैं उनको मुंतकिल कर दी जाएंगी। द फोर्थ पॉइंट वॉज द मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज एंड द हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड पंजाब विल डिसाइड इन सेपरेट मीटिंग्स टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट the division of the provinces. If any one of the two groups will opt division, the province will be divided. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि मुसलमानों के अक्सरियती इलाके और हिंदुओं के अक्सरियती इलाके जिनमें के पंजाब और बंगाल के बड़े सूबे शामिल थे, उनके बारे में जो फैसला है वहाँ के मकामी लोगों से पूछ कर किया जाएगा और उनके मुताबिक ही इसकी तकसीम की जाएगी। इसी तरह से द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज विच विल नॉट ऑप्ट टू जॉइंट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विल क्रिएट देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसी तरह से जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे अगर वो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जॉइन नहीं करना चाहते तो जो भी अलहदा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी वो उसको उसके साथ उसका इल्हाक कर सकते हैं। इसी तरह से
ये जो सारे तकसीम का तरीक़ाकार था, ये तो 3 जून प्लान में वाज़े कर दिया गया, लेकिन रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से एक और तजवीज़ दी गई, एक और लाहे अमल जो था वो ये भी तकसीम का लाहे अमल था, जो कि मुसलमानों को और हिंदुओं को दिया गया। और रेड क्लिफ अवार्ड में यहाँ पर मुसलमानों के साथ बहुत सारी जगहों पर ज़्यादती की गई। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द जून 3rd प्लान दैट एज सुन एज द लेजिस्लेचर ऑफ पंजाब एंड बंगाल डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन, अ बाउंड्री कमीशन शुड बी सेट अप टू डीमार्केट द बाउंड्रीज। ये फैसला किया गया कि जो ही पंजाब और बंगाल के जो लोग हैं इस बात का फैसला कर लेंगे कि उन्होंने किस तरह से मुख्तलिफ इलाकों का इलहाक जो है वो किस तरह से हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ होना है, तो एक बाउंड्री कमीशन कायम कर दिया जाएगा जो कि उन सरहदों का फैसला कर देगा। इसी तरह से जो इसका नया पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट था, वो ये था, द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल एंड पंजाब वोटेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन, बाउंड्री कमीशन वॉज सेट अप फॉर पंजाब एंड बंगाल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रेड क्लिफ। ईच कमीशन वॉज टू कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वन और मोर इम्पार्शल मेम्बर्स। इसी तरह से ये जो लेजिस्लेचर थी बंगाल और पंजाब की, उन्होंने इस बात के हक़ में वोट दिया कि वो पार्टीशन चाहते हैं, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे थे जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी और कुछ इलाके ऐसे थे जिनमें हिंदुओं की अक्सरियत थी, इसलिए इन दोनों सूबों के यानी पंजाब और बंगाल के जो सूबे थे इन इलाकों में ये फैसला किया गया कि इनकी तकसीम किस तरह से होगी, और इनकी तकसीम के हक़ में वहाँ के लोगों ने वोट दिया, जिसको रेड क्लिफ ने जिस बात का एक एक कमीशन बनाया और जिसकी सरबराही जो थी वो रेड क्लिफ कर रहे थे, और इसमें जो थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदों को शामिल किया गया जिनकी तादाद बराबर की थी, और एक ऐसा मेंबर भी शामिल किया गया जो कि जिसका ताल्लुक ना हिंदुस्तान से था ना पाकिस्तान से था, यानी अनबायस था। और इस तरह से कोशिश की गई कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो कि एक दुरुस्त फैसला कर सके, लेकिन हकीकत में क्या हुआ आइए देखते हैं। द फाइनल अवार्ड वॉज अनाउंसड ऑन 17 अगस्त 1947। द रेड क्लिफ अवार्ड वॉज अनफेयर टू पाकिस्तान बिकॉज इट अवार्डेड मैनी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन पंजाब एंड बंगाल टू इंडिया, कैलकटा वॉज गिवन टू इंडिया। जो जो इस अवार्ड का जो एक एक आखिरी फैसला सामने आया जो कि 17 अगस्त 1947 को जिसका ऐलान किया गया, इसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की गई और मुसलमानों के ऐसे इलाके जिसमें के मुसलमान अक्सरियत में रहते थे उनको यानी पंजाब में भी और बंगाल में भी इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। जैसे कि कलकत्ता जो था जिसमें के मुसलमानों की अक्सरियत थी उसको इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। मुस्लिम मेजॉरिटी तहसील्स ऑफ गुरदासपुर एंड बटाला वर गिवन टू इंडिया अलॉन्ग विद पठानकोट तहसील। इसी तरह से इन तहसीलें जो जो गुरदासपुर की तहसील थी और बटाला की जो तहसील थी और पठानकोट की जो तहसीलें थी, इसमें भी 100% तकरीबन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनको भी हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया। इसी तरह से द मुस्लिम मेजॉरिटी तहसील्स अजनालन और इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो हैंडेड ओवर टू इंडिया। इसी तरह से अमृतसर की भी एक तहसील जो थी उसको जिसमें के मुसलमान अक्सरियत में थे उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया। इन जलंधर डिस्ट्रिक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट वर आल्सो गिवन टू इंडिया। इसी तरह जलंधर का जो ज़िला था उसमें जो और जलंधर और फिरोजपुर के जो ज़िले थे उनमें भी जो मुसलमानों की अक्सरियती तहसीलें और इलाके थे उनको हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया। ऑल ऑफ दीज एरियाज वर अटैच टू वेस्टर्न पंजाब। और इस तरह से ये तमाम के तमाम इलाके जो थे वो मगरबी पंजाब का हिस्सा बना दिए गए। दिस अनफेयर अवार्ड रिजल्टेड इन इंडियंस ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर एंड स्नैचिंग फ्रॉम पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट हेडवर्क्स एंड गिविंग दैम टू इंडिया। इस तरीके से ये जानबूझकर किया गया या मुस्तकबिल के हकायक को नज़रअंदाज करते हुए किया गया, दोनों नुक्ता नज़र के तहत बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, बहुत सारे मजामीन और तहकीकी मकाले मिलते हैं जो कि
कुछ इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जी ये ज्यादती जो है जानबूझ कर की गई, और कुछ जो तहरीरें हैं वो ये बताती हैं कि मुस्तकबिल के जो जो खदशात थे उनको मलहूज रखे बगैर ये एक अनफेयर डिवीजन जो थी ये कर दी गई। इससे ये हुआ कि हिंदुस्तान का हौसला बढ़ गया, इंडिया का हौसला बढ़ गया, और कश्मीर में दाखले को उसने अपना हक जाना। और इसी तरह से जो पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है, जो इसके हेड वर्क्स हैं, वो जो मेन हेड वर्क्स हैं, वो जो है वो इलाके जानबूझकर इंडिया का हिस्सा बना दिए गए या अनजाने में उसका हिस्सा बना दिए गए, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात सामने आए। और वो उनमें से बहुत सारे ऐसे इख्तलाफात हैं इंक्लूडिंग द इशू ऑफ कश्मीर, जो कि अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं, और ये इस इलाके में अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा रहे हैं। और आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, इन इलाकों की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें लड़ी गईं। और ये जो जंगें हैं इसमें हुकूमतों की सतह पे तो शायद इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आवाम की सतह पे गरीब लोगों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि इसी के नतीज में से एक नतीजा ये भी है कि आज तक एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो और एक सेंस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसट्रस्ट जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान में पाया जाता है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क जो हैं अपनी फौज पे और असला जमा करने में लगे हैं, और गरीब आवाम जो हैं वो इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। उसी तरह से यहाँ मेरे पास ये नक्शा मौजूद है जो कि ये बता रहा है कि वो कौन से एरियाज थे जिनमें के मुस्लिम अक्सरियत इलाके थे, क्योंकि ये ऐसे तारीखी हकायक हैं, ये ऐसे तारीखी दलाइल हैं जिनको झुटलाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इस नक्शे में दिखाया गया है कि पंजाब अपर बारी दोआब दिखाया गया है और कम्युनल डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाई गई हैं, इसमें जहाँ जो कि पूरे स्याह एरियाज हैं वो मुसलमानों के अक्सरियती एरियाज हैं। इसी तरह से क्रिश्चियंस की क्या तादाद थी, सिख कितने थे, हिंदू कितने थे, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग अदर कास्ट, ये सब के सब जो हैं यहाँ पर इस नक्शे में दिखाए गए हैं। और ये पंजाब का नक्शा है, लाहौर एंड अमृतसर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे मुसलमानों की तादाद कितनी थी, सिखों की तादाद कितनी थी, और क्रिश्चियंस किस रेशो से रह रहे थे। बटाला का ज़िला जैसे कि मैंने बताया गया है वो दिखाया गया है, पठानकोट के बारे में बात की गई है, इसी तरह से शकरगढ़ के बारे में बात की गई है, आजनाला के बारे में बात की गई है, अमृतसर का बताया गया है, आप देख सकते हैं कि लाहौर में क्या सिचुएशन थी। तो ये सारे के सारे जो इलाके हैं ये इस नक्शे के ज़रिए से पता चल रहा है कि उस वक़्त इन मुख्तलिफ इलाकों में, यानी पंजाब की तकसीम करते हुए, किस तरह से मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया गया। और इस आने वाले वक्त ने ये साबित किया कि ये जो गैर मुनसिफाना तकसीम की गई ये दोनों मुल्कों में इख्तलाफात का बायस है। आइए देखते हैं कि रेड क्लिफ अवार्ड के ही सिलसिले में पंजाब की डिवीजन कैसे हुई है। मेरे पास मज़ीद दो मैप्स मौजूद हैं, और इन मैप्स में बताया गया है कि अमृतसर जो है और पटियाला का जो के इलाके हैं वो किस तरह से उनकी सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं, और किस तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं, एक असूल बना दिया गया था कि मेजॉरिटी एरियाज जो हैं उन मुल्कों के साथ इलहाक करेंगे जिनसे उनकी वाबस्तगी है, मगर प्रैक्टिकली अमली तौर पे ऐसा नहीं हो सका। यहाँ पे पंजाब की डिटेल्स एक दफ़ा फिर दूसरी तरफ मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरह से पंजाब की गैर मुनसिफाना तकसीम की गई।
बंगाल की डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही कि क्योंकि अब 1971 के बाद बांग्लादेश हमसे अलग हो गया और जो बंगाल की तकसीम है उस पे उसमें भी पाकिस्तान के साथ उस वक्त नाइंसाफ़ी की गई, लेकिन उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की जा रही। एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द डिवीजन ऑफ पंजाब। यहाँ ये देखें कि यहाँ पे एक और नक्शा दिखाया गया है जो कि बड़ी वजाहत के साथ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को बताता है कि परसेंटेज बता रहा है कि क्या परसेंटेज थी मुसलमानों की, क्या परसेंटेज थी हिंदुओं की, क्या परसेंटेज थी मुख्तलिफ जो दूसरी जातें हैं उनकी क्या परसेंटेज थी, और खसूसन मुसलमानों की मुख्तलिफ इलाकों में जो परसेंटेज है उसकी वजाहत की गई है। जैसे जो मकम्मल तौर पर ब्लैक कलर में जो एरियाज नज़र आ रहे हैं वहाँ से 90 to 100% मुसलमान रहते थे, इसी तरह से जो एक डॉट्स के साथ एरियाज हैं इसमें 80 to 90% मुस्लिम थे, इसी तरह से जो लाइन्स में एरियाज हैं वो 70 to 80% मुस्लिम थे, और जो एक चेक में एक कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं वो 60 to 70% थे, और एक जो जो ज़रा बड़े चेक में और बड़े डॉट्स में जो एरियाज़ हैं इसमें 50 to 60% मुसलमानों की तादाद थी। आप यहाँ पे अभी पूरे पंजाब का नक्शा देख सकते हैं जिनमें के पाकिस्तान में शामिल पंजाब में शामिल पाकिस्तान के इलाके और पंजाब में शामिल हिंदुस्तान के इलाके दिखाए गए हैं, और उसमें उन एरियाज़ में मुसलमानों की परसेंटेज जो है ज़ाहिर की गई है। इसी तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तहरीक थी उसका आगाज़ कैसे हुआ, और इस लेक्चर के आखिर तक आपने तहरीक पाकिस्तान का अंजाम और उसका उसके जो अचीवमेंट्स थी उसको भी आपने देखा। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या नकात डिस्कस किए आइए देखते हैं। एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान मोमेंट, दैट वाज द टाइटल ऑफ द टुडेज लेक्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वी हैव डिस्कस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन डिटेल, एंड वी हैव ऑल्सो कंडक्टेड डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वी हैव डिस्कस्ड इलेक्शंस 1935-36 बिकॉज दोज वर द फर्स्ट इलेक्शंस विच वर कंडक्टेड इन सब कॉन्टिनेंट, एंड मुस्लिम लीग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसड अबाउट इलेक्शंस, ऑल्दो द रिजल्ट्स वर नॉट वेरी इनकरेजिंग बट दैट वॉज द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर, एंड थ्रू दैट प्रोसीजर मुस्लिम लीग लर्नड अलॉट, एंड आफ्टरवर्ड मुस्लिम लीग चेंज इट्स पॉलिसीज एंड बट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दैट इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट टर्निंग इन दिस रिगार्ड। थ्रू कांग्रेस मिनिस्ट्रीज मुस्लिम एक्सपीरियंस द क्रूअल रूल ऑफ हिंदूज, एंड पाकिस्तान रेजोल्यूशन दैट इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट टर्निंग इन पाकिस्तान मूवमेंट, के 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई उसके नतीजे में पाकिस्तान बना, और क्योंकि ये एक फैसला कुन मरहला है, 23 मार्च 1940 को की जो करारदाद पाकिस्तान है वो एक फैसला कुन मरहला है जिसके बाद ये साबित हो गया कि मुसलमान जो हैं अपने एक अलहदा वतन के क्याम के बग़ैर हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में चैन से नहीं बैठेंगे, और मुत्तहिदा हिंदुस्तान का कोई तसव्वुर उनके पास नहीं था। और जबकि ये इससे पहले ये जो ख्याल पाकिस्तान है ये 1930 में अलाहाबाद में अलामा इकबाल जो है वो पेश कर चुके थे, लेकिन जब कायदे आज़म हिंग्लिस्तान से वापस आए 1935 के बाद तो उन्होंने मुस्लिम लीग में एक नई रूह फूंकी, और उसके नतीजे में अलामा इकबाल ने जो ख्याल पाकिस्तान पेश किया था 1940 में मुसलमान लीडर्स ने लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। इसी तरह से क्रिप्स
मिशन के बारे में बात की गई कि कैसे ये मुख्तलिफ तरह की कोशिशें की गई, जो ये कोशिशें सब की सब इस सिलसिले में की गई कि हिंदुस्तान के लिए वाज़ह तौर पर एक आइन की मंजूरी ले ली जाए और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ की जो नुमाइंदा जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनकी उनकी रजामंदी हासिल की जाए। वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस पर बात की गई। अगरचे ये सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो कामयाब ना हो सकें, मगर इनकी वजह से एक सियासी माहौल बनता चला गया जो कि बिल आखिर दोनों मुल्कों की आज़ादी का बायस बना। वी हैव ऑल्सो डिस्कस इलेक्शंस 1945, 1945 के इलेक्शंस के ऊपर बात की गई, और ये जो 1945 के इलेक्शंस थे ये जो थे ये फैसला कुन साबित हुए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग ने ये साबित किया कि वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, और इसमें इन इलेक्शंस में मुसलमानों को और मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह से कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर बात की गई कि ये प्लान क्या था और इसके क्या मकासद थे। अराइवल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन और पार्टीशन प्लान पर बात की गई। यहाँ पर वायसराय की जो तब्दीली है लॉर्ड वेवल के बाद, लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो उनको गवर्नर जनरल के तौर पे भेजा गया, और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पर आकर मुस्लिम लीग के साथ और कांग्रेस के साथ एक बातचीत का तवील सिलसिला शुरू किया, और इसमें उन्होंने ये समझा कि अब यूनाइटेड इंडिया का तसव्वुर जो है वो नहीं मज़ीद जो है इस पे बात नहीं हो सकती, बल्कि हर सूरत में हिंदुस्तान को दो हिस्सों में और दो मुल्कों में तकसीम करना पड़ेगा। और इसी नुक्ते को समझने के बाद माउंटबेटन ने 3 जून का प्लान बनाया, और 3 जून का प्लान जो था वो इस हवाले से आम है कि इसका ऐलान करने से पहले इसको दोनों सियासी जमातों को यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग से इससे खुफिया रखा गया। अगरचे इसके सिलसिले में भी बहुत से शुभात मौजूद हैं कि नहीं जी गांधी से डिस्कस किया गया था और इस पे नेहरू पे से इस पे बात की गई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट जो है कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ही मद्देनज़र रखना है, इसलिए जो लॉर्ड माउंटबेटन का यहाँ पर आना और 3 जून का जो मंसूबा है वो इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। इसी तरह से हमने 3 जून का प्लान क्या था और इसके तहत क्या फैसले किए गए इस पर हमने तफसील से बात की। इसके बाद हमने रेड क्लिफ अवार्ड के ऊपर बात की, यानी कि रेड क्लिफ अवार्ड का क्या मतलब है, और दरअसल ये अवार्ड इसका अवार्ड का नाम दिया गया लेकिन मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए और पाकिस्तानियों के लिए ये कोई अवार्ड नहीं था, बल्कि इसके नतीजे में बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो थे वो हिंदुस्तान के हवाले कर दिए गए। ये कोशिश दानस्ता की गई या ना दानस्ता की गई, दोनों के लिए, दोनों राय के लिए बहुत सारा मटेरियल जो है, बहुत सारे मुस्तनद हवाले जो हैं वो मौजूद हैं और आप उनका मुतालिया कर सकते हैं। एंड एट लास्ट देर इज़ अ कोटेशन ऑफ टुडे, कम फॉरवर्ड एज सर्वेंट्स ऑफ इस्लाम, ऑर्गेनाइज द पीपल इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली and politically, and I am sure that you will be a power that will be accepted by everybody. These are very powerful words and saying of Qaid-e Azam Muhammad Ali Jinnah, presidential address at the All India Muslim League Lahore, March 23, 1940. Iske sath hi main aaj ke is lecture ka ikhtitam karti hoon। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।